बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्लास सेकंड ईयर का। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें मेंशन करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, खुशी हुई आप लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन्स थी, वो हम क्लियर करेंगे पहले, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करनी है कि आपको चैप्टर के कैलकुलेशन के हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन होती है तो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की समझ नहीं आती, कैसे कौन सा फॉर्मूला पुट किया, क्या किया हुआ है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आई विल ट्राई, कोशिश करूँगा कि आपको हैंड रिटन कैलकुलेशन के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो बॉक्स बना होता है उसके अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि एनोड और कैथोड का जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था उसमें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, लेकिन जब हमने रिवर्स करंट किया था, सॉरी रिवर्स वोल्टेज किया था, नेगेटिव वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, तो चार्जेस वो मूव करना बंद क्यों कर दिए चार्जेस ने, या एनोड के ऊपर सारे चार्जेस इकट्ठा क्यों हो गए, या कैथोड के ऊपर सारे चार्जेस इकट्ठा क्यों हो गए। वजह इसकी रीज़न ये है, हमने जो नॉर्मल प्रोसेस किया था उसके अंदर जो थे हमारे पास, एनोड को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया था। तो ये जो वायर का कनेक्शन था वो सेम था, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था, यानी कनेक्शन सीधे थे, सीधे साधे से कनेक्शन थे। तो सारा प्रोसेस हो गया। फिर आगे जो कन्फ्यूजन ये आ रही है कि चार्जेस ने मूव बंद करना क्यों कर दिया कि जब हमने रिवर्स करंट लगाया था, रिवर्स वोल्टेज लगाया था। रिवर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वायर को उठा के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो, नेगेटिव वायर को उठा के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो। यानी वो आपने बैटरीज देखी होंगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है, एक को रेड वायर के साथ इंडिकेट किया जाता है, एक को ब्लैक के साथ। कोई भी सर्किट चलाना तो रेड को रेड के साथ जोड़ना पड़ता है, ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी कोई सर्किट ऑन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हमने क्या किया कि रेड को ब्लैक के साथ जोड़ दिया और ब्लैक को रेड के साथ जोड़ दिया, यानी एनोड को हमने नेगेटिव कर दिया, कैथोड को पॉजिटिव कर दिया। इससे क्या हुआ, कनेक्शन रिवर्स हो गए। जो चार्जेस फॉरवर्ड मूव कर रहे थे उन्होंने रिवर्स मूव करना शुरू कर दिया। रिवर्स मूव करने का मकसद मतलब ये था कि फॉरवर्ड मूव कर रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ, उन्होंने रिवर्स मूव करना शुरू कर दिया, यानी जो चार्जेस आगे मूव कर रहे थे उनकी डायरेक्शन आगे जाते हुए बैक हो गई। जब वो बैक मूव करना शुरू कर दिया तो सारे चार्जेस बैटरी के अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि बैटरी कुछ चार्जेस प्रोवाइड करती है, तो वो सारे के सारे एनोड के ऊपर इकट्ठे हो गए, सॉरी कैथोड के ऊपर इकट्ठे हो गए। एनोड को जोड़ा था ना, एनोड से निकल रहा था, एनोड को एनोड की तरफ जाना था, कैथोड से निकल रहा था, तो कैथोड की तरफ वो इकट्ठे हो गए थे सारे। तो ये था सिंपल सा फिनोमिना कि हमने सिर्फ कनेक्शन को रिवर्स किया। जैसे नॉर्मल कनेक्शन था चार्जेस आगे को मूव कर रहे थे, जैसे कनेक्शन को रिवर्स किया चार्जेस पीछे को मूव करना शुरू कर दिए, जिससे जो सारे चार्जेस एक जगह पर इकट्ठे हो गए, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन होगी होगी क्लियर। अब एक इक्वेशन हमारी रह गई थी उसके अंदर कि हमने काइनेटिक एनर्जी का और उसका जो वर्क डन का रिलेशन डिफाइन किया। अक्सर स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन आ रही थी कि ये इक्वेशन कैसे बनी है। तो ये इक्वेशन इस तरह बनी है, वर्क डन इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। फर्स्ट ईयर का टॉपिक इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी में, और उस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, डब्ल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करते हैं, सरफेस से चार्जेस को निकाल रहा है, यानी निकालने के लिए अपनी एनर्जी उनको प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है। तो यानी यहाँ पे ये बात है कि जो फोटॉन्स थे वो चार्जेस को निकालने के लिए अपनी एनर्जी उनको प्रोवाइड कर रहे थे, यानी अपना वर्क डन उनको प्रोवाइड कर रहे थे। जब उन्होंने वर्क डन अप्लाई किया, अपनी एनर्जी प्रोवाइड की, तो जो चार्जेस निकले वो किसी ना किसी स्पीड से तो निकलेंगे, किसी ना किसी वेलोसिटी से तो निकलेंगे, तो वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए, वर्क डन है, वर्क डन हमने पता है कि
W=W/Q फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, फर्स्ट में या सेकंड में पढ़ा होगा। W over V यानी चार्जेस को निकालने के लिए कितना वर्कडन हम अप्लाई करते हैं। वर्कडन अप्लाई कर दिया, चार्जेस निकलेंगे। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं W की। W आ जाएगा QV, कौन सी चीज हम निकाल रहे हैं, चार्जेस। तो चार्जेस के लिए हम E लिखते हैं और V यहां पे पुट करते हैं। E भी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये नहीं है कि जब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब चार्जेस निकलेंगे, ये तो नहीं पहले स्लोली स्लोली निकल रहे हैं फिर आगे जाकर मूव करेंगे। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस होगी वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। इस तरह से ये इक्वेशन है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं इसके नोट्स जो है हैंड रिटन कैलकुलेशन के नोट्स, थ्योरी नहीं कैलकुलेशन के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसका रेस्ट पार्ट जो हमारे पास रहता है रह गया था क्वांटम बेस पे। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि क्वांटम बेस पे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये तो नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर के रिस्पेक्ट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रैक्शन करवाना था ना मैटर के साथ, मटेरियल्स के साथ, वो हमने करवा दिया। अब हमने क्वांटम बेस पे यानी छोटे लेवल पे इसकी स्टडी देखनी है कि छोटे लेवल पे क्या बिहेवियर शो करता है। आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम क्लास में लेक्चर ले रहे थे तब मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि लाइट जो होती है वो कंटिन्यूस मूव नहीं करती, वो छोटे छोटे फोटॉन्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। यानी लाइट का जो सोर्स है उससे कंटिन्यूस लाइट नहीं निकल रही होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं इस फॉर्म में, इसे इनके अंदर एनर्जी होती है, ये एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था पीछे हमने इसे पढ़ा था डिटेल से, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनके अंदर ये पैकेट्स के द्वारा थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है, ठीक है। अब ये गैप सारे इक्वल होते हैं, यानी कि इसमें गैप ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और ज्यादा, इसमें और कम हो जाएगा, ये गैप इक्वल होते हैं। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं, यानी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर आप लाइट को स्लो मोशन कैमरे से रिकॉर्ड करो तो आपको पता चलेगा कि लाइट कंटिन्यूसली मूव नहीं करती, वो कभी कभी छोटी छोटी ब्लिंकिंग देती होती है, लेकिन ये ब्लिंकिंग इतनी तेज होती है कि हमें कंटिन्यूस लाइट ही दिखाई देती है। वो ब्लिंकिंग किस वजह से होती है, वो इन छोटी छोटी गैप्स की वजह से होती है। ये हमें लाइट देगी, ये थोड़ी सी ब्लिंक करेगी, ये लाइट देगी, ये हमें लाइट नहीं देगी, तो ये छोटी छोटी ब्लिंकिंग होती है फोटोन की फॉर्म में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी हमने पढ़ा था कि ये एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वांटा होती है फोटोन्स की फॉर्म में। तो सेम स्कीमिंग केस है कि जब एनर्जी लाइट फोटोन है, लाइट फोटोन है, लाइट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया, जब लाइट गिरेगी मटेरियल के ऊपर तो वो कंटिन्यूस नहीं गिरेगी, वो फोटॉन्स की फॉर्म में गिरेगी, वो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे जो उस सरफेस के ऊपर गिरेंगे। यानी ये सरफेस है मैटर का, पहला फोटॉन गिरेगा, फिर दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा गिरेगा, फिर चौथा, इस तरह कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं गिरेगी, ये छोटे छोटे फोटॉन्स की फॉर्म में गिरेगी। अब इन फोटॉन्स का आगे रिएक्शन क्या होगा, अब ये एक फोटोन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगी पाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक फोटोन इनफ है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक फोटोन को अब्सॉर्ब कर ले। जैसे वो इस फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा, फिर अगला फोटोन आके हिट करेगा तो अगले वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर उससे अगले वाला आगे हिट करेगा उससे अगले वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन को जब कलेक्ट करते हैं तो हमें एक करंट मिलता है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। कहने का मकसद ये था कि ये जो फोटॉन्स होते हैं ये छोटे छोटे एनर्जी, जो लाइट होती है छोटे छोटे फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, और एक फोटॉन इनफ होता है पूरे पूरे रिएक्शन को या पूरे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब सॉरी फॉर दैट, अब होगा क्या, यहाँ पे एक फोटॉन इनफ है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है मेटल सरफेस के अंदर, फोटोन आएगा इस पे हिट करेगा, ये सारी एनर्जी है। यहाँ पे एनर्जी जो होगी कम होगी, जैसे ये फोटोन अंदर एंटर होता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन एक डब्बे की फॉर्म में आ जाएंगे, एक बॉक्स है इलेक्ट्रॉन का,
जैसे जैसे ये एनर्जी इसके अंदर इंटर होती जाएगी, ये बॉक्स भरता जाएगा, फिलअप होता जाएगा। जब ये फिलअप होता जाएगा तो इसकी वाइब्रेशनल वाइब्रेटरी मोशन भी इंक्रीज होती जाएगी। अप एंड डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमें बाहर निकाल रहे हैं, तो अप एंड डाउन कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि हमने प्रीवियस पढ़ा जैसे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके अंदर एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाती है। तो सेम केस है कि जब ये एनर्जी का फोटोन इसके अंदर इंटर होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स लिया या कोई भी पैकेट ले लिया इलेक्ट्रॉन है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। इतना फोटोन जब अंदर चला जाएगा तो ये सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि उस केस को रहने दो, जब ये सारे का सारा फोटोन इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाएगा तो इसकी वाइब्रेशनल मोशन इतनी तेज हो जाएगी कि इसके साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर जाएगा विद काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ये सिंपल सा फिनोमेना आपको मैंने समझा दिया है कि इलेक्ट्रॉन का फोटोन लाइट का फोटोन जब इंटर होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी को अपने अंदर जजब करता जाएगा। मैंने प्रीवियस ये भी बताया था कि जैसे जैसे एनर्जी को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे वो उसको जजब करता जाता है। ये नहीं कि पहले एनर्जी को इंक्रीज करेंगे बाद में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा बाद में वो निकलेगा, ये साथ साथ होता है सारा। जैसे ही इंटर होता जाएगा ये उसे जजब करता जाएगा। लेकिन जैसे ये सारा फोटोन, मैंने अभी बात किया कि एक फोटोन इनफ है पूरे पार्टिकल को निकालने के लिए, सारा फोटोन इंटर होगा इसने ये सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, अब इसकी वाइब्रेशनल मोशन इतनी तेज हो गई कि अपने साथ बॉन्ड तोड़ेगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द सिंपल फोटोन। अब एक छोटा सा केस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये जो एनर्जी है ये थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है, बॉक्स एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, ये वेव पैकेट मैंने थोड़ा सा बढ़ा ले लिया, यानी बड़ी एनर्जी का सोर्स ले लिया। अब क्या होगा? अब जैसे जैसे ये अंदर इंटर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन इसे अब्सॉर्ब करता जाएगा, अपने अंदर एनर्जी को इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां तक जो था उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम थी, यानी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी थी जजब करने की। यानी सिंपल सी बात है, एक जग पानी का ले लें, एक ग्लास ले लें, पानी के जग को उंडेलना शुरू कर दें ग्लास के अंदर। अब जितनी ग्लास की कैपेसिटी उसने उतना ही पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है, बाकी पानी बाहर गिर जाएगा, दूसरी तरफ गिर जाएगा। क्लियर है? यही केस हो रहा है। अब ये पानी का जग लिया और एक छोटा सा ग्लास है, हमने पानी के जग को ग्लास में उंडेलना शुरू कर दिया। अब जितनी ग्लास की कैपेसिटी होगी उतना वो उसे फिलअप कर लेगा, बाकी पानी जो होगा वो साइडों से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी तो फुल होगी, ये तो कन्फर्म बाहर है, इसकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा पानी है जग के अंदर, वो क्या करेगा, ग्लास से नीचे गिरेगा और नीचे जो भी चीज पड़ी है उसके ऊपर गिरना शुरू कर देगा। अब इसके नीचे एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो इसके अंदर एंटर होनी शुरू हो जाएगी, इसकी एनर्जी को फिलअप करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी एनर्जी फिलअप होगी ये इसकी वाइब्रेशनल मोशन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो कहने का मतलब यह था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देगा तो बाकी एनर्जी जो बचेगी वो उसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी, उसकी वाइब्रेशनल मोशन को इंक्रीज करेगी। अगर ये एनर्जी इनफ नहीं है तो ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही शो करता रहेगा, अगर इसकी एनर्जी इनफ हो गई तो ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देगा और बाकी जो बचेगा वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। ये था सिंपल सा फिनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि कैसे उसकी एनर्जी या वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर। अब हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी को हम किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। एनर्जी है ना, एनर्जी का कोई ना कोई सिंबल होगा, उसे हम फाई से इंडिकेट करते हैं, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर है? ये वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन किसे, फंक्शन कहते हैं किसी चीज़ की बेसिक्स जिसपे कोई चीज़ काम कर सकती है। वर्क फंक्शन यानी काम करने की सलाहियत वाला कोई भी जो फंक्शन होगा, यानी कोई भी प्रोसेस जिसपे वो इजीली काम कर सकता है, या कोई भी फिनोमिना, कोई भी आप कह सकते हो कोई भी फैक्टर या कोई भी प्रोसेस जिसे आप स्टडी कर रहे हो वो किस हालात में वर्क करता है। तो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, वो किस हालात में वर्क करता है, वो फोटोन की एनर्जी पे वर्क करता है। तो फोटोन की एनर्जी को हम फाई से इंडिकेट करेंगे, जिसे हम वर्क फंक्शन का नाम दे लेंगे। अगर फोटोन्स होंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं, अदरवाइज वो नहीं होगा। फंक्शन कहते हैं बेसिक्स को, वर्क बेसिस, किस बेस पे ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क करता है, वो फाई की बेस पे, फोटोन की एनर्जी की बेस पे वर्क करता है, तो उसे हमने वर्क फंक्शन का नाम दे दिया। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी
वो किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी हमारे पास दो हिस्सों में होगी, एक वो एनर्जी जो फोटॉन्स की है, यानी फोटॉन्स का अपवर्तन या फोटॉन्स की एनर्जी जो चार्जेस के ऊपर वो लगाएंगे, दूसरी वो एनर्जी जो पार्टिकल्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे फोटोन की और अपनी स्पीड से बाहर निकलेंगे। दो हिस्सों में एनर्जी डिवाइड होगी, टोटल एनर्जी दो हिस्सों में आएगी, एक फोटॉन्स की एनर्जी जो फोटॉन्स का वर्धन या फोटॉन्स की एनर्जी जो चार्जेस को निकालने के लिए अपने खुद से प्रोवाइड करेगी, दूसरी वो एनर्जी जो चार्जेस फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और किसी स्पीड से बाहर निकलेंगे। यानी एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी चार्जेस की जिसे वो अटेन करके बाहर निकलेंगे। चलिए जी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास इक्वल आ जाएगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन मतलब फोटॉन्स की एनर्जी जो वो फोटो मेटेलिक प्लेट के ऊपर अप्लाई करेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा, और दूसरी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बाहर निकलेंगे जिस स्पीड से, यानी काइनेटिक एनर्जी। चलिए जी, ई इक्वल्स टू एच एफ, फर्स्ट पेज में पढ़ा कि जो भी एनर्जी हमारे पास होती है छोटे पार्टिकल्स की वो एच एफ होती है, प्लैंक कांस्टेंट के प्लैंक्स लॉ है ये, या प्लैंक्स की इक्वेशन है वो निकला है कि 5 SA का वैसे फोटोन की एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्केयर। तो ये है कि हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर हमें यह फाइंड करना है कि पार्टिकल कितनी स्पीड से बाहर निकल रहे हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एम वी स्केयर आ जाएगा एच एफ माइनस 5। क्लियर है? एच एफ माइनस 5 ये है हमारे पास चार्जेस की वेलोसिटी, किस स्पीड से वो मेटेलिक प्लेट से बाहर निकलेंगे। अब हमारे पास एक चीज जानना होगा कि फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, फोटॉन्स की एनर्जी की जगह हम क्या पुट करेंगे। ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हमें ये भी पता होगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में हमने बल्ब को ऑन किया होगा। मैस क्या है चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है उसका मैस गिवन होगा, किस वेलोसिटी से मूव करेंगे ये हम फाइंड कर लेंगे, या जो भी फिनोमेना होगा इसका हम फाइंड कर सकते हैं। फोटॉन्स जो गिर रहे हैं बल्ब को किस फ्रीक्वेंसी पे ऑन किया वो हमें पता है, फोटॉन्स वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमें नहीं पता। ये बेसिकली थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगी, ये एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी को इंडिकेट कर रही है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, यानी कितनी थ्रेशहोल्ड एनर्जी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फिनोमिना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना स्टार्ट करवा दे। चले जी, वो हम पॉइंट करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं किया था, चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। जाहिर बात है वो जीरो होगी, क्योंकि जब हमने बल्ब को ऑन ही नहीं किया तो उसकी जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी। चलिए जी, जीरो इक्वल्स टू एच एफ माइनस 5, 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी एच एफ। अब इसे मैंने ओ का नाम दे दिया, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जब हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, इसका मतलब हमने सडनली बल्ब को ऑन कर दिया, हमने बल्ब को ऑन कर दिया, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देंगे। वर्क फंक्शन क्या चीज है, वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है, फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करनी चाहिए, तो हमने एफ को रिप्लेस कर दिया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से। यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो बल्ब की ऑन है, वो इतनी अनफ नहीं है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करवा सके, तो हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी एनर्जी पे स्टार्ट होता है, यानी हमें फोटॉन्स की वो एनर्जी नहीं चाहिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट नहीं करवा सकती, हमें फोटॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी या वो एनर्जी चाहिए जो उसकी इफेक्ट को स्टार्ट करवा सकती है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो ये है जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलता है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, अब इसमें सारे फैक्टर्स आपको नाउन होंगे, मैस चार्जेस का, वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो एच प्लैंक कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे लाइट ऑन किया है, एच फिर से प्लैंक कांस्टेंट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है उस मटेरियल के लिए वो आपको टेबल में गिवन होगी, तो इससे आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहे वो भी कर सकते हो, मैस फाइंड करना, कोई भी इसमें से एक इक्वेशन फाइंड करना चाहे तो आप कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंप्लीट फिनोमेना, इसे
एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन को 1921 पे इस थ्योरी की बेस पे नोबेल प्राइज भी मिला था. और उसने एक बात भी बोली थी, अब मैंने स्टार्ट में भी ये बोला है कि ये फिनोमिना सिर्फ अगर हम इन उस केस में पॉसिबल है अगर हम लाइट को फोटोन की फॉर्म में कंसीडर करें कि फोटोन की फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, क्वांटा फॉर्म में होगी. अगर लाइट को हम वेव नेचर लेते हैं तो वेव नेचर कंटिन्यूस होती है. वेव नेचर जो होती है वो कंटिन्यूस एनर्जी देती है. तो कंटिन्यूस एनर्जी रेडिएशन के तौर पे वर्क करती है. ये रेडिएशन हम इंटर नहीं करवा रहे, हम लाइट इंटर करवा रहे. तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. लाइट हमेशा क्वांटा की फॉर्म में होती है. अगर लाइट को हम वेव नेचर लेते हैं तो उसका मतलब हम रेडिएशन इंटर करवा रहे हैं. और रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा रहे, हम लाइट से करवा रहे. तो ये उसी केस में पॉसिबल होगा अगर हम लाइट को एज अ फोटोन कंसिडर करें, ना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव नेचर के तौर पे कंसीडर करें. आगे एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसेल है. फोटोसेल क्या होता है वो आपको मैं रफली बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद रीड करना है. फोटोसेल जो होता है उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और उसे ग्लास ट्यूब में बंद किया जाता है. ग्लास ट्यूब को इवैक्यूएट किया जाता है. इवैक्यूएट इसलिए किया जाता है ताकि एक्सटर्नल एटमोसफेयर अंदर मौजूद चार्जेस की मोशन को डिस्टर्ब ना कर सके. और कुछ मटीरियल का वो बना होता है, फॉस्फोरस है, सोडियम है आई थिंक, वो आप स्टडी कर लीजिएगा. जब उसके ऊपर रेडिएशन या विजिबल लाइट पड़ती है या इंफ्रारेड लाइट पड़ती है तो वो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को या इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हेल्प देती है. इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, हम सिक्योरिटी अलार्म में यूज़ करते हैं, काउंटर सिस्टम में यूज़ करते हैं, और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम में इसे यूज़ करते हैं, और LDR जिसे बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ फोटोसेल ही होता है. तो डिफरेंट इसके यूजेस हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा. उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी. फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही था, और नोट्स जो है मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर के आपको जो कैलकुलेशन के नोट्स हैं और जो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं इंडिकेट करके आपको प्रोवाइड कर दूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा. आज के लिए इतना काफ़ी था. अल्लाह हाफिज़.